गुरु भीम भोई जी की भयंकर भविष्यवाणी कंपिब मेदिनी रणगोल ध्वनि स्वर्ग पाताल को भेदी अठर दिवस जम्बुद्वीप मध्ये बहिव रक्त नदी अर्थ महायुद्ध के ध्वनि से संपूर्ण पृथ्वी ही नहीं बल्कि स्वर्ग एवं पाताल भी कंपमान हो उठेंगे। 18 दिनों तक जम्बूद्वीप में बहेगी रक्त की नदी। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं ये जम्बूद्वीप किस स्थान को कहा जाता है? जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। अध्याय 599 में मैंने महान संत कवि गुरु भीम भोई जी के बारे में कहा था, जिनको वर्तमान के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अपना गुरु मानती हैं। यदि आपको भी उनके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो वो अध्याय अवश्य देखिएगा। जैसे ग्रंथों की माला भविष्य मालिका की रचना पांच महान संत पंच सखाओं ने की थी, उसी तरह ओडिशा के और एक महान संत कवि गुरु भीम भोई जी ने भी कलयुग के अंत को लेकर अनेकों सटीक भविष्यवाणियां की है। वर्तमान के कलयुग को लेकर सनातन के इतने सारे महान संतों के भविष्यवाणियों के द्वारा मनुष्य सभ्यता को सतर्क इसीलिए की गई है क्योंकि वर्तमान का कलयुग सामान्य नहीं, महाकलयुग है, अति भयंकर युग है। चारों युगों का लीला एक साथ एकत्रित होगा वर्तमान के कलयुग में। चारों युगों को मिलाकर सत्य असत्य धर्म अधर्म का अंतिम विचार होगा वर्तमान के कलयुग में। कलयुग का अंत इतना भयंकर होगा कि अनेकों जन केवल इसे देखकर ही प्राण त्याग कर देंगे। अब प्रश्न है, इतना भयंकर अंत क्यों? क्या विधाता हम पर इस प्रकार अन्याय करेंगे? सच तो यह है कि विधाता हम पर नहीं बल्कि हमने विधाता पर अन्याय किया है। हम मनुष्य कर्म एवं धर्म दोनों को ही भुला चुके हैं। हम मनुष्य ऐसे ऐसे पाप कर्म कर रहे हैं जिसकी कल्पना भी भगवान ने नहीं की होगी। ये पाप कर्म हम मनुष्य तक ही सीमित नहीं है बल्कि हमने जानवरों को पेड़ पौधों को भी नहीं छोड़ा है। इसीलिए महान संत कवि गुरु भीम भोई जी ने कलयुग के अंत को लेकर वर्णना करते हुए कहा था, कंपिब मेदिनी रणगोल ध्वनि स्वर्ग पाताल को भेदी 18 दिवस जम्बुद्वीप मध्ये बहिव रक्त नदी। अर्थ महायुद्ध के ध्वनि से संपूर्ण पृथ्वी ही नहीं बल्कि स्वर्ग एवं पाताल भी कंपमान हो उठेंगे। 18 दिनों तक जम्बुद्वीप में बहेगी रक्त की नदी। नागांति जोगांति वेदांति सिद्धांति उठीवे आसन छाड़ी क्षत्रिय पणे रणयुद्ध रे चहटी देऊ थिबे सिंह रड़ी। अर्थ सभी प्रकार के साधु संत अपना आसन त्याग कर क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध भूमि में उतरेंगे एवं म्लेच्छ पापी जनों का विनाश करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो महान संत कवि गुरु भीम भोई जी भारत के अंतिम महायुद्ध या अंतिम धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं। आप उनके वाणियों से अनुमान लगा सकते हैं ये युद्ध कितना भयंकर होने वाला है। शायद ऐसा युद्ध इतिहास में पहले कभी ना हुआ होगा। त्रेता युग का राम रावण युद्ध द्वापर युग का महाभारत युद्ध से भी भयंकर होने वाला है वर्तमान के कलयुग का अंतिम धर्म युद्ध। ये सब बातें मैं अपने मन से बनाकर नहीं सुना रहा, ना ही आपको भयभीत करने के लिए सुना रहा हूँ। ये सब बातें इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सच्चे भक्त सतर्क हो पाएंगे, समझने वाले समझ चुके होंगे, बाकियों का पता नहीं। मैं प्रत्येक दिन आप सबके लिए वीडियो बनाता हूँ,
बिना रुके बिना थके। इसके बदले आप केवल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि यह मूल्यवान ज्ञान अधिक सनातनियों तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।